जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हूँ। आइए अब आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन कर लेते हैं। आज श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा मंगलवार 21 जुलाई 2020 है। श्री जी को आज हरे एवं सफेद लहरिया के श्रृंगार धराए जाते हैं। गावो बजावो मृदंग प्रभु श्रीनाथ जी को नियम से धराए जाने वाले श्रृंगार की साज सेवा में हरे एवं श्वेत रंग के लहरिया की सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी और तकिया के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। स्वर्ण की रत्न जड़ित हरी मखमल वाली चरण चौकी आती है। पड़घा बंटा आदि जड़ाव स्वर्ण के होते हैं। चांदी के पड़घा के ऊपर माटी के कुंजे में शीतल सुगंधित जल भरा होता है। दो गुलाबदानियां गुलाब जल भरकर तकिया के पास रखी जाती हैं। सम्मुख में धरती पर त्रष्टि जी धरे जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज हरे एवं श्वेत रंग के लहरिया का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र गहरे लाल लगभग कत्थई जैसे रंग के होते हैं। श्रृंगार सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज छेड़ान का कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार बाजूबंद पोछी आदि सभी आवरण मानक के धराए जाते हैं। कमल माला जी धराई जाती हैं। श्री मस्तक पर हरे एवं श्वेत लहरिया की छज्जेदार पाक के ऊपर सिर पेच लूम जमाव का कतरा अर्थात नागफनी का कतरा एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के कर्णफूल धराए जाते हैं। श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली दो माला जी तो धराई ही जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज कमल छड़ी झीने लहरिया के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया नुपुर व बिच्छियां धराई जाती हैं। खेल के साज में पट हरा व गोटी चांदी की आती है छोटी वाली। राग सेवा के तहत मंगला में गरज गरज रिम झिम राजभोग में गहर गहर गाजे बदरा हिंडोरा में मचकर झूले लचकर गौर श्याम धारण को झूलत ललित कदम्ब तरे घन घटा बन घटा शयन में झूलत तेरे नैन हिंडोरे कीर्तनों का प्रभु के सम्मुख गान किया जाता है। वहीं संध्या आरती में श्री मदन मोहन जी आज चंदन के हिंडोलने में झूलते हैं। उनके सभी वस्त्र एवं श्रृंगार श्री जी के जैसे ही होते हैं। संध्या भोग आरती में श्री नवनीत प्रिया जी आज शेलू के हिंडोलना में विराजकर झूलते हैं। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। जय श्री कृष्ण। अब चलकर कुछ दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। काकरोली में विराजित श्री द्वारिकाधीश जी को कल हरियाली अमावस्या के मौके पर बगीचे में हिंडोलने में विराजित किया गया। इसके पूर्व प्रभु को श्री मस्तक पर हरा टिपारा जिस पर तीन सादा चंद्रिका हरी दोनों कांचनी वैसे ही सूथन हरा अंतरवास का पटका ठाड़े वस्त्र हरे पन्ना के आभरण और वनमाला का श्रृंगार धराया गया। कीर्तनकारों द्वारा हिंडोलना के पदों का गान किया गया। आइए अब पुष्टि सृष्टि से कुछ विशिष्ट दर्शन करते हैं। Yeah.
चलते हैं नाथ द्वारा एवं राजसमंद में हुई कुछ घटनाक्रमों पर। दोस्तों, यह दृश्य नाथ द्वारा के पास स्थित एक रिसोर्ट के हैं। अवसर था हरियाली अमावस्या का। कोरोना के कारण चल रहे लॉकडाउन के चलते हरियाली अमावस्या का मेला कहीं भी नहीं भरा। मेला न भरने के कारण नाथद्वारा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवा इस रिसोर्ट में पहुंचे और यहां स्विमिंग पूल में कुछ इस प्रकार के दृश्य उत्पन्न हुए। क्या सोशल डिस्टेंसिंग, क्या मास्क और क्या गाइडलाइंस, यह सब प्रशासन को तो पता होगा, भले रिसोर्ट मालिकों को ना हो। यह नाथद्वारा नगर के पास स्थित कोठारिया में नीलकंठ महादेव के दृश्य हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रावण माह में भोलेनाथ की भक्ति का विशेष महत्व रहता है। कई प्रकार के अभिषेक किए जाते हैं। यहाँ पर जलाभिषेक किया गया और मंदिर में पानी भरा गया। गुलाब के पुष्प नीलकंठ महादेव को सेवार्पित किए गए। वर्तमान में समग्र मेवाड़ में महादेव मंदिरों में इसी प्रकार के प्रति सोमवार को अभिषेक किए जा रहे हैं। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह नाथद्वारा की चौपाटी के हैं, जहां पर भूमिगत विद्युत लाइन योजना का कार्य द्रुत गति से जारी है। प्रगति रिपोर्ट आपके समक्ष पेश है। चौपाटी से बड़ा बाजार मार्ग पर बन रहे पानी निकासी के बॉक्स पर RCC कर दी गई है। एक और खबर देखते हैं। हरियाली अमावस्या के अवसर पर नगर के वार्ड नंबर 14 में हरित नाथद्वारा के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता दिनेश एम जोशी ने बताया कि वार्ड पार्षद लक्ष्मी सांवरिया के प्रयासों से पूरे वार्ड में वृक्ष लगाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत एवं नेतृत्व जिलाध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर द्वारा किया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। और कोरोना की वर्तमान स्थिति भी जान लीजिए। आज 21 जुलाई को आई रिपोर्ट में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें एक मामला राजसमंद ब्लॉक से, 7 मामले भीम ब्लॉक से, 5 मामले आमेट ब्लॉक से और 1 मामला केलवाड़ा ब्लॉक से है। स्वयं को बचाइए, देश को बचाइए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंकरा। धन्यवाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य, हरीश तिवारी और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका सा एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से आभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।